हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो अपने वजन के साथ साथ बच्चे के वजन की भी चिंता उसको बहुत अधिक सताने लगती है। जब आपकी प्रेगनेंसी 8वें हफ्ते से ऊपर हो जाती है तब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें आपके बच्चे का वेट आता है। शुरू में वेट ज़्यादा नहीं होता, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम तक वेट जाता है, लेकिन 3रे महीने के बाद तेजी से बच्चे का वजन बढ़ने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपकी डॉक्टर बताती हैं कि आपके बच्चे का वजन कम है। अगर बच्चे का वजन पेट में कम होगा तो बच्चे का जो विकास है अच्छे से नहीं हो पाएगा, बच्चे के जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको बच्चे का एक हेल्दी वेट मेंटेन करना होता है। आप क्या कर सकते हैं बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए पेट में? देखिए, ये आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी चीजें खाएंगे, तो इससे आपका वजन बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। क्या चीजें हैं जिन्हें करने से आपके बच्चे का वजन बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा? वो कौन सी चीजें जिन्हें खाने से आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी? सबसे पहली चीज है दोस्तों शकरकंदी। शकरकंद, स्वीट पोटैटो जिसको हम कहते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन, विटामिन, पोटेशियम, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जो बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती हैं। क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में अगर आप प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम का सेवन नहीं करती हैं, आयरन का सेवन नहीं करती हैं, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आप इन सब चीजों का प्रचुर मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके बच्चे के साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी रहती है। शकरकंदी का आप जरूर सेवन कीजिए, ये बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी चीज है दोस्तों दूध। दूध आप सभी जानते हैं कैल्शियम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके लिए और आपके बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है, तो दूध का सेवन जरूर कीजिए। तीसरी चीज है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट सभी कहते हैं खाने चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में जो प्रेग्नेंट होती हैं वो भी इसको अवॉइड करती हैं। उन्हें समझ नहीं आता अगर ड्राई फ्रूट खाएंगे तो कहीं गर्मी ना हो जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि रात में आप 5 बादाम और 5 से 10 किशमिश को पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर इनका छिलका उतार कर बादाम का आप दूध के साथ खा लीजिए। दूध के साथ नहीं खाना, बिना दूध के खा लीजिए। दोस्तों आपके शरीर के लिए ये बहुत अच्छे होंगे, आयरन की कमी आपको नहीं होगी, किशमिश बहुत ही ताकतवर होती है, आपको फाइबर की कमी नहीं होगी, बहुत ही फायदेमंद होती है। इस तरह से आप इन ड्राई फ्रूट को खा सकते हैं। सर्दी के मौसम में आप वैसे भी खा सकते हैं, गर्मी के मौसम में आप भिगो के खाइए, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। तीसरी चीज है दही। दही भी आपको, दही मट्ठे का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, बहुत ही फायदेमंद होती है दही, तो दही और मट्ठे का सेवन भी जरूर करें। गर्मी का मौसम है, अंडा अवॉइड करती हैं, तो बॉयल्ड एग एक जरूर खाइए, और एक अंडा खाएंगे तो आपको इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। सर्दी के मौसम में 2 भी खा सकते हैं, एक सुबह एक शाम। अंडे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, तो अंडे का सेवन जरूर कीजिए, इससे भी आपके बच्चे का वेट बहुत ही जल्दी बढ़ता है। सोयाबीन आप सभी जानते हैं, मूंगफली और सोयाबीन दोनों चीजें प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत मानी जाती हैं, तो आप सोयाबीन का सेवन कीजिए, मूंगफली का थोड़ा सा सेवन कीजिए। हर चीज लिमिट मात्रा में खाइए, लिमिटेड लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खाने लगे कि बच्चे का वेट कम है, मैं कटोरे भर भर के खा लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर चीज की एक लिमिटेड मात्रा लीजिए, आपके बच्चे का वेट अपने आप ही बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। संतरे का जूस पीजिए। संतरे का जूस विटामिन सी से भरपूर होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चे के वेट गेन के लिए और बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, तो संतरे का जूस जरूर पीजिए। नॉनवेज खाते हैं तो फिश वगैरह खाइए, चिकन खाइए, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। कच्चा मांस बिल्कुल मत खाइए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। आप ये सब खा सकते हैं। साबूदाना आप खा सकते हैं, साबूदाना कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है, साबूदाने में बहुत ही ज्यादा कैल्शियम होता है, तो आप इसको भिगोकर इसकी खीर बनाइए दूध के साथ, तब उसका सेवन कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगी आपके लिए। सलाद खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, दालें खाइए, दाल जो भी आपको हजम हो सकती है वो दाल खाइए। वैसे तो अगर आप छिलके वाली मूंग की दाल खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि हजम भी जल्दी हो जाती है और इसके कोई भी नुकसान भी नहीं होते हैं,
क्योंकि अगर आप उड़द और अरहर की दाल खाते हैं तो थोड़ी सी हैवी होती है हजम करने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी पाचन क्रिया थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो ऐसे में आप थोड़ी सी जल्दी पचने वाली दालें खाइए, मूंग की दाल खाइए, वो बहुत ही अच्छी रहती है। दलिया आप ले सकते हैं, साबुत अनाज जिसे हम कहें, तो साबुत अनाज में आप दलिया लीजिए जिनपे छिलका रहता है, क्योंकि आटे का छिलका हटा दिया जाता है, आटा जब पिस जाता है तो उसका हम चोकर हटा देते हैं, लेकिन दलिया के ऊपर, गेहूं के ऊपर छिलका रहता है तो आप इसको लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, स्प्राउट्स आपके लिए हेल्दी होंगे, बच्चे का वजन भी बढ़ाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी में आपकी हेल्थ का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो स्प्राउट्स का आप सेवन कर सकते हैं। कुछ और चीजें आपको अपनी प्रेगनेंसी में करनी होंगी जिससे कि आपके बच्चे का बहुत ही हेल्दी विकास हो सके। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अपने आप को पूरी प्रेगनेंसी में हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपके बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो। प्रचुर मात्रा में आराम कीजिए, आराम ये नहीं कहूंगी कि पूरे दिन आराम कीजिए, क्योंकि एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक पर्याप्त नींद लीजिए। अगर आप ऑफिस वर्किंग है या फिर और आप कुछ काम करते हैं तो ऐसा नहीं है अपने रूटीन को बहुत ज्यादा हेक्टिक बना लें, आपको आराम करना भी बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। वर्कआउट जरूर कीजिए, थोड़ा सा योगा और थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ी सी वॉक, प्रेगनेंसी में अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इन चीजों को जरूर कीजिए, इससे भी आपके बच्चे का वेट गेन अच्छे से होता है, बच्चे को फ्रेश एयर मिलते, बहुत ही अच्छा आपके बच्चे की ग्रोथ होती है। अगर दोस्तों आप इन चीजों को फॉलो करेंगी तो आपके बच्चे का पेट में वजन बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। हेल्दी डाइट लीजिए, लिमिटेड मात्रा में लीजिए, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा खाइए, अच्छे से लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो अगला अल्ट्रासाउंड होगा उसमें 99% आपके बच्चे का वेट बहुत ही अच्छा आने वाला है, बच्चे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होने वाली है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर, थैंक यू, नमस्कार।